बीजेपी विधायक गणेश नाइक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी। उच्च न्यायालय ने दीपा चौहान द्वारा दाखिल कथित रेप केस मामले में आज अंतरिम बेल पर सुनवाई की और पूर्व मंत्री गणेश नाइक को जमानत दे दी। इससे पहले थाने सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज जमानत की खबर के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया था। दीपा चौहान नामक महिला ने दावा किया था कि नाइक उसके बेटे के जैविक पिता हैं, इसलिए उसे नाम और संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। आज मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा कि संबंधित महिला और गणेश नाइक वर्ष 1993 से ही रिलेशनशिप में थे, लिहाजा पहली नजर में इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। फिलहाल इस फैसले के बाद नाइक समर्थकों ने जमकर जल्लोस मनाया और इसे विरोधियों के लिए जोर का झटका बताया। हाईकोर्ट से निराशा मिलने पर अब दीपा चौहान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। बताना जरूरी है कि बीजेपी विधायक गणेश नाइक महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। नई मुंबई पर वर्षों से उनकी सत्ता और राजनीतिक वर्चस्व कायम रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही नई मुंबई की राजनीति गर्मा गई थी। ऐसे में एनसीपी और गणेश नाइक के कई विरोधियों ने अंदर खाने ही मोर्चा खोल दिया था ताकि नई मुंबई से गणेश नाइक का वर्चस्व खत्म किया जा सके। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देकर नाइक के खिलाफ राजनीतिक रोटी सेकने वालों को जोर का झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।